हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आए हैं जानकी सेतु पुल घूमने ऋषिकेश में। तो ये है जानकी सेतु पुल और ये यहाँ से गंगा रिवर का सुंदर सा व्यू। सामने परमार्थ निकेतन दिखता है, ये पूरा गंगा रिवर का व्यू है। ये गिलहरी देख, और अरे गो ये गिलहरी देख रहे हैं बच्चे। इधर आओ, भागो मत उसके पीछे, इधर आओ। ये वैष्णवी शिवांशी। और यहाँ से राफ्टिंग के लिए भी जाते हैं, तो आप साइड में राफ्टिंग बोट देख सकते हो। और बच्चे यहाँ पे आके काफ़ी खुश हैं। तो चलिए हम सेतु पुल के ऊपर चलते हैं और यहाँ से उस पार जाना है हमने परमार्थ निकेतन की तरफ। और ये जो जानकी सेतु पुल है फ्रेंड्स, ये 346 मीटर लंबा है और यहाँ पे तीन सेक्शन बने हुए हैं। बीच वाला जो सेक्शन है वो पैदल मार्ग है और साइड में जो है वो टू व्हीलर्स के लिए बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे अभी लेफ़्ट साइड में चल रही हूँ, मुझे थोड़ा नदी का व्यू कैप्चर करना था। इसके बाद हम भी बीच वाले सेक्शन में चलेंगे जो पैदल जाने का रास्ता है पुल के ऊपर बनाया हुआ, क्योंकि दोनों तरफ है ना टू व्हीलर्स के लिए है, एक तरफ जाने के लिए एक तरफ आने के लिए टू व्हीलर्स से, और बीच वाला पैदल जा। जानकी सेतु पुल। शिवांशी, तो यहाँ पे ये मेरे साथ मेरे छोटे भाई है और उनकी वाइफ है, यानी कि जिनकी अभी शादी हुई है नई, तो इनको मैं यहीं लाई थी घुमाने के लिए परमार्थ निकेतन, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है ना वो काफ़ी अच्छा आता है, सुंदर व्यू है यहाँ का। और पुल के ऊपर चलते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठंडी हवा चल रही है, गंगा रिवर का सुंदर सा व्यू दिख रहा है। और ये आगे पुल है, देखिए कितना सुंदर व्यू है यहाँ का, दोनों तरफ टू व्हीलर्स के लिए और बीच में पैदल मार्ग। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए हम लास्ट पॉइंट तक चलते हैं। और जैसे जैसे हम पुल के एंड में आते हैं, यहाँ पर हनुमान जी की बहुत बड़ी पेंटिंग्स दिखती है हमें, पुल पे बनी हुई है ये भी, पुल के पिलर्स में साइड में। और ये अभी G20 सम्मेलन हुआ था ना फ्रेंड्स, बैठक, तो उस टाइम की पेंटिंग्स बनी हुई है। काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने सजाया था जानकी सेतु पुल के दोनों तरफ ये जो दीवारें हैं। और अभी तो हम फ्रंट में ही है यहाँ पे, मतलब पुल के एंड में। पुल का जो रास्ता है वो यहाँ तक है और इसके बाद यहाँ से डाउन एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी पेंटिंग्स बनी हुई है, अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए दीवार के दोनों तरफ बना रखी है सुंदर सुंदर पेंटिंग्स। तो ये आ गए हम पुल से बाहर और यहाँ पे ये वेद निकेतन है सामने, यहाँ का व्यू भी काफ़ी सुंदर आता है। और हमें जाना है इस तरफ क्योंकि हम गंगा घाट की तरफ जा रहे थे, वहाँ पर काफ़ी सुंदर व्यू आता है। यहाँ पे गंगा जल लेने के लिए आपको छोटी छोटी डिब्बियाँ मिल जाएंगी जिनमें गंगा जल भर के ले जाते हैं। और यहाँ पे ये गर्म कपड़े, बहुत सारी दुकानें हैं छोटी छोटी। तो जो भी यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं फ्रेंड, वो यहाँ से ये चीज़ें ले जाते हैं, जैसे कि गंगा जल हो गया और गंगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यादगार के तौर पे यहाँ से लोग ले जाते हैं। यहाँ पे फ्रूट्स की दुकानें हैं। तो हम अभी जा रहे हैं गंगा घाट की तरफ क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी सुंदर व्यू आता है। और ये है मेरे भैया और उनकी वाइफ। तो चलिए आपको गंगा घाट का जो सुंदर सा व्यू है वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो इस वीडियो का एंड मैं यहीं तक करती हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। और आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।